लाहौर पुलिस का एक और अहलकार सियालकोट में ड्रोन के जरिए मनशियात फरोशी करते पकड़ा गया। अहलकार से मनशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे वसीम रियाज से। वसीम बताइएगा। फोर्स में ये अहलकार तैनात है जिसकी शनाख्त वकास के नाम से हुई है। अहलकार वकास ड्रोन के जरिए मनशियात जो है मनशियात फरोशी करता था। इस हवाले से पुलिस को इत्तला मिली तो इस पर जो है वो कार्रवाई की गई। मनशियात सप्लाई करते हुए मुलजिम जो कांस्टेबल वकास है इसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इसके साथ इसके दो दीगर साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस कांस्टेबल वकास और दूसरे नौजवान जो लाहौर के सरहदी इलाकों में के रिहायश पजीर हैं और सियालकोट के इलाका के करीब गांव में जो मनशियात फरोशी करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक ड्रोन मनशियात और कुछ रकम जो है वो बरामद की है। मजीद मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ अमल में लाई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया वसीम। लाहौर पुलिस का एक और अहलकार सियालकोट में ड्रोन के जरिए मनशियात फरोशी करते पकड़ा गया। अहलकार से मनशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे वसीम रियाज से। वसीम बताइएगा। फोर्स में ये अहलकार तैनात है जिसकी शनाख्त वकास के नाम से हुई है। अहलकार वकास ड्रोन के जरिए मनशियात जो है मनशियात फरोशी करता था। इस हवाले से पुलिस को इत्तला मिली तो इस पर जो है वो कार्रवाई की गई। मनशियात सप्लाई करते हुए मुलजिम जो कांस्टेबल वकास है इसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इसके साथ इसके दो दीगर साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस कांस्टेबल वकास और दूसरे नौजवान जो लाहौर के सरहदी इलाकों में के रिहायश पजीर हैं और सियालकोट के इलाका के करीब गांव में जो मनशियात फरोशी करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक ड्रोन मनशियात और कुछ रकम जो है वो बरामद की है। मजीद मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ अमल में लाई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया वसीम।